डियर स्टूडेंट्स, अभी हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमिन द टाइम ऑफ कंप्लीट मिक्सिंग फॉर द पेस्ट ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन अ रेशियो ऑफ 10:1 इन अ रेशियो ऑफ 10:1 यूजिंग नीडर मिक्सर। हमारे पास नीडर मिक्सर अवेलेबल ऑपरेटर्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कंप्लीट मिक्सिंग करेंगे सैंड और सॉल्ट की। कंप्लीट मिक्सिंग करने के बाद हम उसका टाइम जो है वो डिटरमिन करेंगे। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, टू डिटरमिन द टाइम ऑफ कंप्लीट मिक्सिंग फॉर द पेस्ट ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन द रेशियो ऑफ 10:1 यूजिंग नीडर मिक्सर। तो नीडर मिक्सर हमारे पास अवेलेबल है, ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं। नीडर मिक्सर के अलावा हमें स्टॉप वॉच चाहिए होगी, एक प्लास्टिक टब चाहिए होगा, सैंड चाहिए होगी, सॉल्ट चाहिए होगा, बिरिट होगा, पिपेट होगा और HCL हमें चाहिए होगा। तो पहले हम नीडर मिक्सर को ऑपरेटर्स को देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं नीडर मिक्सर में। सबसे पहले तो ये नीडर मिक्सर में इसको हम बोलते हैं कि ये हमारा स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड हो जाएगा नीडर मिक्सर का। इसके बाद ये हमारे पास पावर कंट्रोल है, पावर कंट्रोल पे हमारे पास ऑन एंड ऑफ का है, वोल्टेज हमें बताएगा और एनर्जी का हमें बताएगा कितने एम्पियर हमारे पास एनर्जी आ रही है। और इसके अलावा हमारे पास मोटर है, ये मोटर है हमारे पास, इस मोटर के साथ ये कनेक्ट है। मोटर के बाद हमारे पास गियर असम्बली है, ये गियर असम्बली है, इसमें अगर हम गियर असम्बली है हमारे पास यहाँ पे। गियर असम्बली के बाद हमारे पास नीडर मिक्सर के सिग्मा ब्लेड्स हैं, ये जो ब्लेड्स हैं हमारे इनको हम सिग्मा ब्लेड्स कहते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स हैं नीडर मिक्सर के जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि हमारी कंप्लीट मिक्सिंग किस टाइम पे हुई। और ये नीडर मिक्सर हमारा कनेक्ट होगा विद इलेक्ट्रिकल सप्लाई, 3-फेज कनेक्शन होगा हमारा इसके साथ, 3-फेज कनेक्शन के साथ कनेक्ट होगा। तो अब हम इसका प्रोसीजर डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसीजर में हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमने सैंड और सॉल्ट 10:1 में लेनी है। 10 प्रोपोर्शन हम सैंड लेंगे और 1 सॉल्ट लेंगे। सॉल्ट हमारा कॉमन सॉल्ट होगा, जो कॉमन सॉल्ट हमारे पास अवेलेबल होता है। सैंड भी अवेलेबल है हमारे पास, सेडिमेंटेशन के ऑपरेटर्स में हमने सैंड यूज़ की थी। तो सैंड 10 प्रोपोर्शन में लेंगे, 1 प्रोपोर्शन हम सॉल्ट का लेंगे। और जो हमारा मिक्सर है नीडर मिक्सर का, ये हमारा मिक्सर है, इसमें हम मिक्सर में दोनों चीज़ों को डाल देंगे, पोर कर देंगे इन दोनों चीज़ों को। और इसके बाद हम मिक्सर को 1 घंटे के लिए चलाएंगे, 1 घंटे का हम टाइम देंगे मिक्सिंग। इस मिक्सर में हम सैंड और सॉल्ट कॉमन सॉल्ट को हम डालेंगे और उसके बाद 1 घंटे का हम टाइम देंगे, ऑपरेशन टाइम या ऑपरेट टाइम करेंगे 1 घंटा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि टेक द सैंपल ऑफ 2 ग्राम्स, 2 ग्राम का जो सैंपल होगा हम हर 5 मिनट के बाद 2 ग्राम का सैंपल बाहर आउट करते जाएंगे। नीडर मिक्सर होगा, इसमें से 2 ग्राम जब हम 10:1 प्रोपोर्शन सैंड एंड सॉल्ट डाला, ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद 1 घंटे के लिए मिक्सर को चलाएंगे। उसके बाद हम हर 5 मिनट के बाद 2 ग्राम का सैंपल इसमें से टेक आउट कर लेंगे। उसके बाद इस 2 ग्राम के सैंपल को हम 20 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे। 20 ml हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर होगा बीकर में, तो 2 ग्राम का ये सैंपल हम उसमें ले लेंगे। उसके बाद जब ये हर 5 मिनट के बाद, मतलब पहले 5 मिनट्स ऑपरेशन टाइम के बाद 2 ग्राम का सैंपल लेंगे। 2 ग्राम का सैंपल लेने के बाद उसको हम 20 ml के डिस्टिल्ड वाटर बीकर में डालेंगे। उसके बाद हम 10 मिनट पे, फिर 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, इसी तरह 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60 लेने के बाद 2-2 ग्राम का, हर 5-5 मिनट के वक्फे के बाद हम 2-2 ग्राम का सैंपल इसमें से आउट करते जाएंगे और उसमें बीकर में लेते जाएंगे। अब क्या होगा, जो हमारे पास HCL जो हमने लेना है उसको हम 0.1 HCL सोल्यूशन उसका बना लेंगे। वो हम 0.1 मोलर का जो HCL सोल्यूशन होगा वो हम यूज़ करेंगे ब्यूरेट में। और इस सोल्यूशन को हम, जो हमारे पास सैंपल्स होंगे जो बनेंगे
मतलब कि 20 ml का वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और 2 ml 2 gram का हमारा जो सैंपल होगा, ये जो सोल्यूशन बनेगा, जो सैंपल होगा, इसको हम टाइट्रेट करेंगे 0.1 ml HCl सोल्यूशन के अगेंस्ट। 0.1 ml HCl का सोल्यूशन के अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट करेंगे, और टाइट्रेट के बाद हम इसका वॉल्यूम जो नोट डाउन कर लेंगे कितना वॉल्यूम यूज़ हो रहा है। तो इसके बाद होगा क्या कि हमें पता चल जाएगा कि जो टाइम ऑफ कंप्लीट मिक्सिंग है वो किस टाइम पे हमारी कंप्लीट मिक्सिंग हो रही है। टाइट्रेशन सिंपल फिनोमिना, टाइट्रेशन भी हम करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे टाइट्रेशन को। जैसी टाइट्रेशन स्टार्ट होगी तो हम पहला सैंपल 5 मिनट वाला, सेकंड सैंपल 10 मिनट वाला, 15 मिनट्स वाला, तीसरा सैंपल, फोर्थ सैंपल, हर सैंपल को हम बारी बारी टाइट्रेट करते जाएंगे 0.1 HCl सॉल्यूशन के अगेंस्ट। और जैसे ही हमारा वॉल्यूम यूज्ड होगा, जो हमारा एक्यूरेट जहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट वॉल्यूम कंप्लीट मिक्सिंग हो गई है, वो हम नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद हम कंप्लीट मिक्सिंग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन आएंगे वो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी, कोई तकरीबन 12 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आएंगी। टाइम ऑफ मिक्सिंग हम फाइंड करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज 0.1 HCl सॉल्यूशन जो है हमारे पास, उसका कितने ml हमारा वॉल्यूम यूज हुआ है वो भी हम नोट डाउन करेंगे। तो जो रिजल्ट आएगा वो हम वॉल्यूम ऑफ एसिड यूज एंड टाइम ऑफ मिक्सिंग के अगेंस्ट दोनों के बराबर हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद हम वहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारा जो कंप्लीट मिक्सिंग टाइम है वो क्या है। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें नीडर मिक्सर में हम मिक्सर में दो कोई भी सैंड और सॉल्ट को लेके उसकी हम मिक्सिंग कंप्लीट मिक्सिंग का टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये ख्याल रखना है जब हम नीडर मिक्सर में चीज़ें डालें तो हमारे सिग्मा ब्लेड जो हैं वो कवर होने चाहिए। जो सैंड और फिल, जब हम सैंड और कॉमन सॉल्ट से हम फिल अप करेंगे तो हमारे सिग्मा ब्लेड्स कम्प्लीटली कवर होने चाहिए, इतना प्रोपोर्शन हो कि ये हमारा मिक्सर सिग्मा ब्लेड्स मिक्सर में जो सिग्मा ब्लेड्स हैं वो कवर अप हों। तो बाद में हम एक्सपेरिमेंट को सिंपल वही 2 grams हर 5 मिनट के बाद आउट करते जाएंगे और उसको टाइट्रेट करेंगे, उस हमारे जो सोल्यूशन को जो हम डिस्टिल वाटर में बनाएंगे उसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 HCl सॉल्यूशन के अगेंस्ट और उसका वॉल्यूम नोट डाउन कर लेंगे। इससे हमें कंप्लीट टाइम ऑफ मिक्सिंग पता लग जाएगा।